बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज से 6 मई के दौरान पाकिस्तान के मौसम में अचानक से बड़ी और ख़तरनाक तब्दीलियों और शदीद मौसमी हालात, शदीद गर्मी और फिर शदीद गर्मी के बाद तूफ़ानी बारिशों, आंधियों के नए सिलसिलों के हवाले से महकमे मौसमियात की बड़ी रिपोर्ट के साथ हाजिर हों। मौसम के हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बरए मेहरबानी मदलावर्ज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त गर्मी की शदीद और ख़तरनाक ताकतवर लहर दाखिल हो चुकी है, जो आज से 2 मई के दौरान मुल्क भर में जारी रहेगी। इस दौरान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बहुत सारे इलाकों में दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 46 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को है, इसलिए शहरी मोहतात रहें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। वेदर लवर्स, शदीद गर्मी के बाद इंशाल्लाह 3 से 6 मई के दौरान ईद अल फितर के मौका पर मगरबी हवाओं के नए ताकतवर सिलसिले के बायस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब और शुमाली वस्ती बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गरज चमक और तूफ़ानी आंधियों के साथ बारिश और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने का इम्कान है। इसी दौरान जनूबी पंजाब और सुबह सिंध में भी आंधियाँ चलने का इम्कान है, जिनके बायस मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी की लहर में यकदम कमी आने की तवक्को है।